वेलकम बैक। इस वक्त वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ज्यारत में मौजूद हैं और वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आप बराह रास्त ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए, लेकिन आपने मुझे यहाँ दावत दी इधर ज़ियारत को देखने के लिए, क्योंकि हम सुनते थे ज़ियारत का। एक दफ़ा मैं बहुत पहले, आज से 20 साल पहले आया था, लेकिन वो बड़ा मुझे भी याद नहीं कि हम यानी वो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था। फिर एक जलजला आया था, वो फिर हम नीचे आए थे, तो ये दो, उसके अलावा मैं यहाँ आया नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल गया कायद आज़म के जो वो आखिरी दिन थे जिधर उन्होंने गुजारे, ये पीछे जो हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन जाऊँगा यहाँ। ज़ियारत का मैंने सारा तकरीबन पाकिस्तान तो मैं फिरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ज़ियारत जो इस तरह जो ये जिस तरह आज देखे हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी, ये नहीं मैंने पहले देखा था। और मुझे ये भी खुशी हुई कि ये जो जूनिपर के दरख्त हैं, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो इनका मैं पढ़ता था कि ये पुराने पुराने, सबसे पता नहीं 3,000-5,000 साल पुराना ये दुनिया का असासा है, ये जो जूनिपर का जो जंगल है। तो वो भी आज मैंने ऊपर से भी देख लिया, करीब से भी देख लिया, तो इसका आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले, बात शुरू करने से पहले, जो हमारे एफसी के लोगों ने आज को शहादतें दी हैं, मैं उनके रिश्तेदारों के, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सब्र दे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल वो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को आप जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम से कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्सेज अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े भारी कर्जे चढ़ाए हुए हैं पिछले वालों ने, और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्जों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है, उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फंड्स दिए हैं। और मेरी जो दो गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज किया गया माजी में। बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही माने में खर्च किया गया, ना तवज्जो गई बलूचिस्तान के ऊपर जो होनी चाहिए थी, और जो पैसा दिया भी गया, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही माने में खर्च नहीं हुआ। अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही माने में खर्च हो जाता तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे। मुझे हमारे मेरे एमपी कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मौलानों की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है वो आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। अच्छा जी, अब पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूँ, हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं
उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फेल हो गई, क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है। वो चाहते थे कि फेल हो जाए, कि कामयाब ना हो। पहले से खतरा हो गया कि कामयाब हो जाए, ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। लिहाजा सारी कौम को 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, मईशत तबाह हो गई, मुल्क लोग पे गरीब लोगों का बुरा हाल हो गया, सब कुछ कहते रहे। एकदम जो अभी हमारे पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, जो मैं लोगों को नहीं समझ, ग्रोथ रेट क्या होती है? ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि आपकी मईशत किस रफ्तार में ऊपर आ रही है। तो पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी और बाकी बड़ा बुरा हाल था, और सारों ने कहा कि ये इस बार भी उतना ही होगा। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब ऊपर जाना, जब ये फिगर्स जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं था कि अगर हम 4% मुल्क ग्रो करें। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं, मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्योंकि इसकी वजह है ना, बलूचिस्तान के मेरे MPs भी बैठे हैं, वज़ीर बैठे हुए हैं, अब सबको मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखें, मैं अगर पावर में आऊँ ना, इक्तदार में आऊँ, तो या मैं अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या मैं अपनी कौम के लिए पैसा बना सकता हूँ, दोनों नहीं हो सकता। अगर ये मैं सोचूँ कि मैं अपने लंदन में बड़े बड़े महलात खरीदूँगा और कौम भी तरक्की कर जाएगी, ऐसे होता नहीं है। जो भी कौमें तरक्की की हैं उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की है। महातर मोहम्मद, उसने कोई लंदन में फ्लैट नहीं, उसका उसके कोई मुल्क से बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसके बच्चों की बिजनेसेस बाहर नहीं है, वो वही मलेशिया में रहा, उधर ही रहा, उस मलेशिया को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया। उसी तरह सिंगापुर का लीक वन यू, उसने सिंगापुर को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया, अमीर तरीन मुल्क बन गया सिंगापुर उसके होते हुए, लेकिन उसकी कोई बाहर मेफेयर लंदन के सबसे महंगे में उसकी कोई जायदादें नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, उनके बच्चे बाहर नहीं है। तो ये होता ही नहीं कि एक आदमी मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाए और समझे कि मुल्क तरक्की करेगा। जब महातर मोहम्मद मलेशिया छोड़ के गए तो उनके बाद उनके बाद भी एक ऐसा आदमी आ गया जिसको भी शौक था मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बाहर जायदादें करने का, वो आज जेल में है। लेकिन जब वो छोड़ के गया तो मलेशिया मकरूज हो चुका था, वही मलेशिया जो महातर मोहम्मद ऊपर ले गए थे वो मकरूज हो चुका था। तो पाकिस्तान इसलिए तरक्की करेगा, एक तो अल्लाह ने पाकिस्तान को हर किस्म की नेमत दी है, हमें खुद ही नहीं पता कि अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर कितना मेहरबान है, क्योंकि जो हमारे हुक्मरानों की उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियां भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। ये जो ज्यारत है, और बड़ा अच्छा हुआ मैं आज आ गया, ये वाकई एक से सारे इलाके का इर्द गिर्द एक टूरिज्म का हब बन सकता है। टूरिज्म का मतलब कि मुकामी लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, गुर्बत कम हो सकती है। पख्तूनख्वा के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 2013 में, सबसे बुरे हालात थे पख्तूनख्वा के, क्योंकि वहाँ वॉर ऑन टेरर थी, तबाही थी, उधर जंग लड़ी जा रही थी, वहाँ कोई 500 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, कानून नाम की चीज़ नहीं थी, जो बिजनेस थी वो बिजनेसेस बंद हो चुकी थी, जो सबसे बड़ी बिजनेस थी वो लोगों को अगवा करके पैसे लेते थे लोग,
वो बिजनेस चल रही थी, लोग पेशावर को छोड़ के इस्लामाबाद में घर ले रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। और यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 5 सालों में 2013 से 2018 में सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में कम हुई सारे बाकी सूबों के मुकाबले में। अमीर गरीब का फर्क सबसे कम हुआ पख्तूनख्वा में। और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तीन चीजें यूएनडीपी की रिपोर्ट में आई। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, वो पख्तूनख्वा में हुआ, रोजगार पे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह टूरिज्म थी। हमने पूरी तरह टूरिज्म को पख्तूनख्वा में उठाया और टूरिज्म की वजह से जब टूरिस्ट आता है वो पैसा खर्च करता है, वहाँ दुकानें चलती हैं, वहाँ रोजगार मिलता है। तो वो बहुत बड़ी वजह थी कि टूरिज्म की वजह से पख्तूनख्वा ऊपर गया। दूसरी चीज थी हेल्थ कार्ड। हमने गरीब लोगों को, आधी आबादी को पख्तूनख्वा के ही हमने हेल्थ कार्ड दिया। अब हेल्थ कार्ड क्या है? हेल्थ कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस। हर खानदान के पास एक कार्ड दिया जिसकी वजह से 10 लाख रुपए तक वो किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकते थे। ये अब पख्तूनख्वा के हर शहरी के पास, यानी हर खानदान के पास अब हेल्थ कार्ड आ गया। पहले सिर्फ आधी आबादी के पास थी। और पंजाब ने इस साल के आखिर तक सारे पंजाब के लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। और हेल्थ कार्ड का मतलब ये, यानी सर उसका मतलब ये है कि जब गांवों के अंदर भी, देहातों के अंदर भी लोगों के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जाके वहां अस्पताल बनाएंगे। और जब प्राइवेट, तो फिर अस्पतालों का जाल फैल जाएगा। हुकूमत के पास तो पैसे नहीं कि हम सारे पाकिस्तान में अस्पताल बना सकें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जब यह पता चलेगा कि हर आदमी अगर वो बीमार होता है देहात में, जिधर भी गरीब इलाकों में भी, उसके पास हेल्थ कार्ड होगा, वो पैसे दे सकेगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हेल्थ कार्ड नहीं है, ये पूरा हेल्थ सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान में। तो मैं आपसे जाम साहब ये दरख्वास्त करूंगा कि आपने अगर असल अपने लोगों की खिदमत करनी है तो जिस तरह पंजाब और पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड दिया गया है, आपको भी बलूचिस्तान में हर खानदान को हेल्थ कार्ड देना चाहिए। ये यकीन करें कि इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि लोग, आप अपने लोगों को, गरीब लोगों की मदद करेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है बुरे वक्त में, एक गरीब घराने में अगर बीमारी हो जाए तो वो गरीब घराने पे सबसे बड़ा अजाब आ जाता है कि उनका जो बजट बना होता है कि बच्चों के स्कूल, कपड़े या जो भी, और खाना पीना, वो एक बीमारी से वो सारा उनका बजट ख़राब हो जाता है और कई दफ़ा पूरा ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह भी खुश होगा और इंशाल्लाह उसकी, वो जब खुश होता है तो आपके ऊपर उस इलाके पे अल्लाह की नेमतें आती हैं। अब आ गया गैस का। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इस इलाके में, मुझे पता है सर्दियों में मैं कई दफ़ा बलूचिस्तान आया हूँ, जो यहाँ ठंड, एक तो ठंड होती है ना, एक तो टेम्परेचर, एक चिल फैक्टर होता है, जो हवा चलती है यहाँ, वो इतनी ठंड मैंने बड़ी कम दुनिया में देखी हुई है जो बलूचिस्तान के इलाकों में। इसलिए इसको अब हम डिस्कस करेंगे। मुझे अपने एमपी ने तो कहा, धूमर साहब ने, कि जनाब यहाँ गैस पहुँचा दो, पाइपलाइन। मेरे ख्याल में जो आपका आइडिया ना, वो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ एलपीजी का प्लांट लगाया जाए, वो ज़्यादा फीजिबल है। गैस लाना इतनी दूर से, और गैस का प्रॉब्लम बड़ा होगा कि वो सर्दी के अंदर वो गैस का प्रेशर बिल्कुल गिर जाएगा आपका। सो बेहतर ये है कि अगर हम इसी इलाके के अंदर ये एलपीजी का प्लांट लगाएं। अब इसकी मैं फीजिबिलिटी जाके बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है बजट तो बन ही गया तकरीबन। मैं जब वापस जाऊंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इंशाल्लाह ये जब अगला माली साल शुरू होता है तो उसमें हम आपके लिए काम शुरू कर दें एलपीजी के, ताकि यहाँ लोगों के लिए आसानी हो। मैं वैसे बादशाह नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। प्राइम मिनिस्टर को फिर भी देखना पड़ता। बादशाह तो ऐसे अश्रियों की थैली फेंक देता ना कि इधर लो पैसे, इधर लो। जिस तरह पहले हमारे बादशाह कहते थे कि जी मैंने ये दे दिया आपको, वो दे दिया, तो मुझे देखना पड़ता है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कितना पैसा है। आगे वो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दोनों सूबे शोर में चाह रहे हैं, पंजाब और पख्तूनख्वा के, जी आपने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। कहते वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट है।
लेकिन गवर्नमेंट की बात नहीं है, बलूचिस्तान को, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नज़रअंदाज किया माजी में, इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी तरह मदद करें। है आपका इलाका बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान का है कि इतना बड़ा इलाका है, यहाँ कनेक्टिविटी इतनी महंगी है बनस्बत नीचे और इलाकों के ऊपर, तो इसलिए जो ख़र्चा आता है यहाँ सड़कों पे जो कनेक्ट करने में, वो बाकी जगह से बहुत ज़्यादा आता है। तो और फिर क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी आना मुश्किल है, जो कि हम पख्तूनख्वा में और पंजाब में कई इलाकों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाके हम ये सड़कें बना रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि आपका ट्रैफिक इतना कम है, तो इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए प्राइवेट पार्टीज़ को यहाँ इंटरेस्ट करने के लिए। और आखिर में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों को खुश करने के लिए या वोट के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट तब सही माने में डेवलपमेंट होगी कि एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इंक्लूसिव, कि सारे मुल्क की डेवलपमेंट हो, यहाँ छोटे छोटे यानी इलाकों की डेवलपमेंट होती है लेकिन जो बाकी मुल्क है वो पीछे रह जाता है, और इसकी वजह से बलूचिस्तान भी पीछे रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में पहले तो इलाकों को जो पीछे रह गए हैं और इनके ऊपर हम ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, जिसका मतलब हम शुरू कर रहे हैं उधर से कबायली इलाके से, क्योंकि वो भी कबायली इलाका भी पीछे रह गया, फिर बलूचिस्तान, फिर जो पंजाब के मगरबी इलाके हैं जिसमें मेरा भी ज़िला है मियाँवाली भी, और फिर बखर, ये राजनपुर, डी जी खान, सबसे पीछे रह गए ये पंजाब में इनकी पूरी, और फिर अंदरून सिंध में भी हम कोशिश करें कि सिंध हुकूमत, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ, लेकिन उनके साथ मिलकर उनकी भी मदद करें, क्योंकि इंटीरियर सिंध भी पीछे रह गया। तो जो जो इलाके पीछे रह गए, पहले तो हमारी पूरी कोशिश करें कि उनको ऊपर लाने के लिए, और दूसरे जो लोग पीछे रह गए, जो हमारा गरीब आदमी है, जो कमज़ोर तबका है, उसके लिए उसको पूरा उठाएँ। तो इसके लिए एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम है, जो गुर्बत कम करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम हुनर भी सिखा रहे हैं, हम ख्वातीन की भी मदद कर रहे हैं देहाती इलाकों में, ताकि वो अपनी मदद कर सके, अपनी उनकी गाय भैंसे मवेशी उनको दे रहे हैं, ताकि वो अपना खुद अपने घर की हालात बेहतर कर सकें। फिर कर्ज़े दे रहे हैं कामयाब जवान में, कि हम नौजवानों को कर्ज़े दे रहे हैं बलूचिस्तान से भी, हर इलाके से, ताकि वो अपनी बिज़नेस कोई सेटअप कर सके, अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके। ये सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें फिर एक नया पाकिस्तान जो हम हाउसिंग का, नया पाकिस्तान हाउसिंग, कि जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जो कि मजदूर हैं, जो मकैनिक हैं, जिनके पास कभी इतना पैसा नहीं अपना घर बनाने के लिए, उनके लिए अब हम स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और शुरू हो गया है, कई हज़ार लोगों ने अब उनको मौके हम उनको कर्ज़े मिल गए हैं, बैंक कर्ज़े देते हैं। तो जो पैसा वो किराए पे देते हैं, वही पैसा कर्ज़ों की किस्तों पे चला जाता है और उनका अपना घर हो जाता है। तो ये एक प्रोग्राम शुरू हो गया पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ये फैलता जाएगा। ये भी हमारी कोशिश है कि लोग, जो आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, उनके लिए हम बैंकों के ज़रिए कर्ज़े दें, ताकि वो अपने घर बना सकें। मैं आखिर में फिर से जान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला इधर आने के लिए। क्वेश्चन आंसर नहीं, बाद में मेरे से बात करना, और मैं इंशाल्लाह आपके पास मुसलसल आता रहूँगा, बलूचिस्तान का प्रोग्रेस देखता रहूँगा। 700 अरब रुपए का हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया अब तक बलूचिस्तान को। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायदे आज़म रेजिडेंसी के दौरे पर खुशी का इजहार किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को माजी में हमेशा नज़रअंदाज किया गया, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बलूचिस्तान की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से भी कहा है कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरह बलूचिस्तान में भी हेल्थ कार्ड के इजरा के लिए कोशिश करें।